हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज मैंने बॉडीकॉन ड्रेसेस बाय की हैं फ्रॉम ऑर्बेनिक। बहुत ही ज्यादा हॉट सेक्सी ड्रेसेस मैंने बाय की हैं। गर्ल्स और वुमेन्स के लिए दो ड्रेसेस मैंने बाय की, बहुत ही ज्यादा सुंदर मैंने इसके शेड बाय किए हैं। आई होप आज का वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट जो मैंने ड्रेस बाय की है, बहुत ही ज्यादा सुंदर इसका शेड मैंने बाय किया है। तो डार्क पिंक शेड में मैंने इसको बाय किया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्राइट शेड है, बहुत ही ज्यादा सुंदर सा इसका शेड मैंने बाय किया है। फ्रंट से आपको इस तरीके का नेक मिलता है, तो ये स्वीट हार्ट नेक होगा जो कि वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक देता है। एंड फ्रंट से कुछ इस तरीके के लुक में होगा। एंड स्लीव्स की अगर इसकी बात की जाए, तो ये फुल स्लीव्स की ड्रेस मैंने बाय की है। फुल स्लीव्स की ड्रेस है, काफी ज्यादा स्मार्ट लुक देती है फुल स्लीव्स की ड्रेस। इस तरीके के प्लेट्स आपको ड्रेस में मिलते हैं जो कि वेयर करने के बाद काफी ज्यादा स्मार्ट लुक देती हैं। तो ये बलून वाली स्लीव्स होंगी इसकी। फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके की लुक में इसमें स्लिट दी हुई है जो कि वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। स्लिप वाला फ्रंट में इसमें स्लिप दिया हुआ है जो कि वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। आई नो आपको देख कर पता चल रहा होगा वीडियो में, और ट्राई ऑन में एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पीस मैंने ये बाय किया है, और इसका शेड भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये सभी स्किन टोन पर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है शेड। ये मुझे शेड बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। एग्जैक्ट आपको ट्राइन ऑन में देखकर पता चलेगा कि ये वाले शेड वेयर करने के बाद कितना ज्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। अगर इसके शेड की बात की जाए, तो और भी शेड वहां पर अवेलेबल है। 6 से 7 इसके शेड अवेलेबल है, और इसके सारे ही शेड बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जो भी शेड आपको पसंद हो, आप इसमें से बाय कर सकते हैं। और मैंने इसको अंडर 900 रुपीज में बाय किया है, और इतने में गाइस ये मस्ट बाय है। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पीस है। एंड अगर इसके फैब्रिक की बात की जाए, तो इसका फैब्रिक काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, और इसमें अंदर लाइनिंग प्रोवाइड किया हुआ है। इसकी वजह से इसमें से कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो आप इस ड्रेस को इजिली कंफर्टेबल होकर वेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। इसमें अंदर लाइनिंग दी हुई है, और ये कॉटन का लाइनिंग नहीं होगा, तो ये लाइक्रा का लाइनिंग होगा। काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है, तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है ये ड्रेस। और अगर इसकी ड्रेस की बात की जाए, तो ये ड्रेस बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है। आप देख सकते हैं, ये ड्रेस बिल्कुल भी स्ट्रेच होने वाली नहीं है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको एक साइज आप बाय करें, क्योंकि मुझे ड्रेस में एल साइज आता है, और मैंने इसको एल साइज में बाय किया है, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा टाइट आ रही है। तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको बाय कर सकते हैं। एग्जैक्ट आपको ट्राइन रोल में देख कर पता चलेगा कि ये वेयर करने के बाद किस तरीके का लुक आपके ऊपर देगी। मुझे ये काफी ज्यादा स्मार्ट पीस लगा। फ्रंट में इसमें 3 बटन दिए हुए हैं जो कि वाइट कलर के इसमें बटन दिए हुए हैं, और काफी ज्यादा स्मार्ट लुक दे रहे हैं इस ड्रेस को ये बटन भी। तो फुल स्लिट की फ्रंट में ये ड्रेस होगी। बैक साइड में आपको एक इसमें जिप मिलेगी, जिसको आप इजिली वेयर कर ओपन करके वेयर कर सकते हैं। काफी ज्यादा स्मार्ट पीस है, आप देख सकते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा स्मार्ट पीस है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा मुझे। फर्स्ट ये वाली ड्रेस होगी। एंड नेक्स्ट जो मैंने बाय किया है, नेक्स्ट मैंने ब्लैक शेड ड्रेस का बाय किया है, और ये काफी ज्यादा सुंदर इसका नेक दिया हुआ है। फ्लिप वाला इसका नेक होगा, और नेक पर आपको इस तरीके की प्लेट्स मिलती हैं जो कि वेयर करने के बाद काफी ज्यादा स्मार्ट लुक दे रही है। शोल्डर पर इस पर कुशन दिए हुए हैं, उसकी अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग जो है स्लीव्स की काफी ज्यादा सुंदर आ रही है। बहुत ही ज्यादा सुंदर इसकी फिटिंग आई है। एंड अगर इसकी स्लीव्स की बात की जाए, तो ये फुल स्लीव्स की ड्रेस होगी, और फुल स्लीव्स की ड्रेस काफी ज्यादा स्मार्ट लुक देती है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी होती है। आपको इसमें स्लिट मिलेगी, और ये फ्लिप वाला स्लिट इसमें मिलता है, क्योंकि वेयर करने के बाद काफी ज्यादा स्मार्ट लुक दे रहा है। एग्जैक्ट आपको ट्राइन होल में देखकर पता चल जाएगा कि ये वेयर करने के बाद कितनी। बैक साइड में इसमें कोई भी जीप नहीं दी हुई है, और ये इजिली ऐसे ही आ जाएगी, कंफर्टेबल होकर आप इसको वेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, और काफी ज्यादा अच्छी इसमें शाइनिंग दी हुई है। देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा स्ट्रेचेबल ये फैब्रिक है की जाए, तो ये एक्सेल साइज तक अवेलेबल होगी। एग्जैक्ट आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी, तो आपको देखकर पता चल जाएगा इसके कौन कौन से साइज वहां पर अवेलेबल है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए, 1200 रुपीज में मैंने इसको बाय किया है। एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो
तो ये काफी ज्यादा स्मार्ट पीस है। और इसके शेड की बात की जाए तो इसके वहां पर और भी शेड अवेलेबल है। आज मैंने ऑर्गेनिक से दो ड्रेसेस बाय की हैं और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ड्रेस मैंने बाय की है। आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। और आपको दोनों ड्रेस में से कौन सी सबसे ज्यादा ड्रेस पसंद आई है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। आपके कॉमेंट का मुझे इंतजार रहता है। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।